हमारे बच्चों को अवसर मिलेगा, वे भी सारे चीजों में एक्सीलेंट कर जाए। लेकिन मैं आनंद जी आपको एक अनुरोध करने आया, ये जो लैब बना है इसको थोड़ा और बड़ा स्पेस दो, और तिवारी जी आप इसको एक एक्सपेरिमेंटल सेंटर बनाओ। इसमें जो मैंने जितने सारे विषय कहा, नॉट ओनली रोबोटिक्स, एंड टू एंड 21वीं सदी के एक लैब बनाओ, एक डिजिटल लैब बनाओ जिसमें मेटावर्स तक भी बात आए। कहीं बैठ के बच्चे दुनिया के साथ जोड़ने के लिए क्या क्या करना है चाहिए। ये जो हम कभी फेयरी टेल्स की स्टोरी बुक पढ़े होंगे, परियों की कहानी पढ़े होंगे, वो अभी कहानी नहीं रहा, ये रियलिटी हो गया है। हमारी स्कूल में भी उसके लिए रियलिटी आ गया। और लेकिन आनंद जी ये सिर्फ वैदिक स्कूल के लिए उपलब्ध ना हो, ये हब बने और हमारी आस पास की जितने सरकारी स्कूल भी हैं, उड़ीसा की सरकार के द्वारा चलने वाले स्कूल्स की है, स्कूल हो या हमारी सेंट्रल स्कूल नवोदय विद्यालय की स्कूल्स हो या आप जैसे और अन्य विद्यालय हो, एक इकोसिस्टम, एक बच्चे स्कूल की बच्चे पढ़ने से नहीं होगा। मैं कभी कभी संबलपुर के बारे में सोचता हूँ, ये आगे 25-30 साल में क्या होगा, आप कितने लोग संबलपुर में रहना चाहोगे या कितने लोग बाहर जाना चाहोगे, हाथ खड़ा करो। मैंने सच बताओ आपको, थोड़ी आपको तो रहना ही नहीं है, आप कहाँ जाओगे, मैं थोड़ी आपको पूछा, बच्चों को पूछा, बच्चे सच बताओ कितने लोग संबलपुर में रहना चाहते हो या बाहर जाना चाहते हो, हाथ तो खड़ा करो। जो बाहर जाना चाहते हो हाथ खड़ा करो। अरे तो सब तो बाहर भाग जाओगे, हमारी महानदी में कौन आएगा। अच्छा क्यों जाना चाहते हो, एक कोई बताए बाहर क्यों जाना चाहते हो, क्यों जाना चाहते हो, एक कोई बता, सब ने मत बताओ बेटा, आप बताओ क्यों बाहर जाना चाहते हो। मैं आपको देख रहा हूं, कोई एक खड़ा हो जाओ, हाँ बताओ आप। ओके, दैट इज राइट क्वेश्चन, आप बताओ बेटा, हाँ आप बताओ, आप जो खड़े किए थे बताओ, क्या पढ़ोगे दोनों, क्या बनोगे आप, करेक्टर बनेगा, वाह ठीक है, और आप क्या बनोगे, इंजीनियर, इंजीनियर बनके क्या करोगे, हंसो मत उसको, आपको उसको हंसवा दूंगा, आप बताओ आप ठीक बता रहे हो, फिर आपको ध्यान जैसा और कुछ ध्यान बनाओगे, है ना, हाँ ठीक है बैठो। देखो बच्चे ये जो थ्योरी है ना, ये जो थ्योरी है कि हमें बाहर जाने से ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा, तो सही है, हमें बाहर जाने के लिए पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अगर हम ऐसे सोचो, हम संबलपुर में ही दुनिया को ले आए तो आप जाना चाहोगे, यह अच्छा रहेगा बाहर जाना अच्छा होगा, यहाँ रहना अच्छा होगा ना। आप ऐसे ही सोचो, हमारा पीढ़ी तो सौभाग्यशाली नहीं रहा क्या, हमारे पीढ़ी के कई लोग बाहर गए, जो बाहर गए अच्छा किए। अभी टाइम आया है दुनिया की जो नया नया आइडियाज आ रहा है उसको यूज करते हुए हमें दुनिया को संबलपुर ले आना है, ये आज संभव है, आप ही लोग उसको करोगे, करोगे ना, दुनिया को संबलपुर ले आओगे, जोर से बोलो यार, दुनिया को हम मां समलेश्वरी के पास ले आएंगे, जगन्नाथ महाप्रभु के पास ले आएंगे, उनको चावल वाला यहाँ आके खिलाएंगे, शीतल सस्ते देखेंगे। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।